नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डेली न्यूज एनालिसिस में 20 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये सारे न्यूज हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और आसाम ट्रिब्यून से लिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे हमारे इस लेक्चर के पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट www.inspirationis.org पर जाकर और डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप हमारा सोशल मीडिया पेज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल अलॉन्ग विद हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस से रिलेटेड, और वहां पर आप जाके बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अवर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस फाउंडेशन बैचेस फॉर 2024। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशंस तो आप हमारे इस ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंस लिखने वाले हैं 8 जुलाई को। अनुशीलन बैच सेकंड हमने स्टार्ट किया है, उसका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपके सामने है। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन और फॉर एडमिशन यू कैन कॉल इन दिस नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना डेली न्यूज एनालिसिस। तो आज डेली न्यूज एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो आप देख रहे होंगे कि न्यूज पेपर या बहुत सारे सोशल मीडिया पोर्टल्स या बहुत सारे पोर्टल्स पे मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में डिस्कशन चल रही है, तो थोड़ा हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों। आखिर ये मियावाकी फॉरेस्ट होता क्या है और क्या वाकई ये यूनिक टेक्नोलॉजी है या कुछ और? और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है टू रिमूव द पॉल्यूशन। सो वी विल जस्ट एनालाइज व्हाट इज मियावाकी फॉरेस्ट, किसने स्टार्ट किया था और क्या वाकई ये हेल्प कर सकता है कि नहीं। मियावाकी फॉरेस्ट अगर बोला जाए तो ये है अकीरा मियावाकी और इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। ये यूनिक टेक्नोलॉजी है फॉर डिक्रीजिंग द पॉल्यूशन। आज आई एम श्योर आप लोग सबको मालूम होगा कि आज बहुत तरह के पॉल्यूशन हो रहे हैं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन ले लीजिए, सॉइल पॉल्यूशन ले लीजिए या नॉइज पॉल्यूशन ले लीजिए। और अकीरा जी ने बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप किया था मियावाकी फॉरेस्ट के नाम पर। तो आखिर ये मियावाकी फॉरेस्ट होता क्या है? देखिए रिसेंटली जो हमारे पीएम मोदी की जो मन की बात हुई थी उन्होंने अपने मन की बात में एक इस मियावाकी फॉरेस्ट का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बेसिकली रफी रामनाथ जी जो है हु यूज्ड द मियावाकी टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म ए बैरन लैंड इनटू ए मिनी फॉरेस्ट कॉल्ड विद्यावनम बाय प्लांटिंग 115 वेराइटीज ऑफ ट्रीज। उन्होंने लगभग 115 वेराइटीज के ट्रीज प्लांट किए थे रफी रामनाथ जी ने, और इसको पीएम मोदी ने सराहा था अपने मन की बात में। तो जब से उन्होंने पीएम मोदी ने कहा मियावाकी के बारे में तो ये न्यूज काफी ज्यादा फैल रही है। नॉट ओनली दिस, द बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने भी ये लगभग मियावाकी फॉरेस्ट का मेथड यूज करके प्लांटेशन कर रहे हैं सेवरल ओपन लैंड में। सो आखिर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग्स? देखिए मियावाकी फॉरेस्ट का जो टेक्निक है, ये मियावाकी फॉरेस्ट एक मियावाकी टेक्निक जैसे हमने डिस्कस किया था कि अकीरा मियावाकी जी ने डेवलप किया था इसको, and it refers to a unique approach to afforestation and ecological restorations developed by Japanese botanist Akira Miyawaki. Okay? And the methodology was developed in 1970 with the basic objectives to densify green cover within a small parcel of land. कहने का मतलब ये है कि ये फॉरेस्ट को ग्रो कराने के लिए आपको बड़ा सा पैच ऑफ लैंड की जरूरत नहीं है, बकायदा छोटे छोटे लैंड को भी डेवलप किया जा सकता है फॉरेस्ट में। मतलब एक यूनिक टेक्नोलॉजी जहां पर स्मॉल एरिया को भी हम फॉरेस्ट की तरह डेवलप कर सकते हैं विद वेरी हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज। द मेथड इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डेंस मल्टीलेयर्ड फॉरेस्ट दैट ग्रो रैपिडली एंड मिमिक द नेचुरल बायोडायवर्सिटी ऑफ नेटिव फॉरेस्ट। ठीक है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्लांटिंग 2 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिजिनस ट्रीज विद इन एवरी स्क्वायर मीटर। मतलब इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं ना कि वहां पर एक स्क्वायर मीटर के अंदर में 2 से 4 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ इंडिजिनस ट्री, ध्यान रखिएगा इंडिजिनस ट्री, ऐसे ट्रीज जो वहीं के हो और बहुत सेल्फ सस्टेनिंग हो, उनको वाटरिंग और बाकी सारी चीजें करने की जरूरत ना हो, वो खुद ब खुद ग्रो करें। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जहां पर एक छोटे से पैच ऑफ लैंड में बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेंस फॉरेस्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। The plants used in the Miyawaki method are mostly self-sustaining, जो self-sustaining होते हैं, and don't require a regular maintenance like manuring and watering. उनको manuring और watering की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? In this method, the tree becomes a self-sustaining and they grow to their full length within 3 years. मतलब 3 साल के अंदर में ही वो trees काफी अच्छा grow करने लगते हैं। आगे अगर देखा जाए तो देखिए ये मेथड कुछ इस तरह का होता है। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर जर्मिनेटिंग सीड, जो एक काफी अच्छा डिस्प्ले दिया गया है, एक जर्मिनेटिंग सीड्स इन द प्रोपेगेशन बेड, पहले सीड को जर्मिनेट कर लिया जाएगा एक प्रोपेगेशन बेल्ट में और कुछ पॉट्स को, मतलब जो बर्ड वगैरह निकलना शुरू हो जाएगा, देन वी विल ट्रांसफर इट टू द सीडलिंग बेड और सीडलिंग बेड से कुछ दिन नर्चर करने के बाद उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा उस पूरे एरिया में। तो इससे होगा क्या कि वो पूरी तरह से एक रेडी टू फॉर्म या रेडी टू प्लांट ट्रीज बन जाएगा और प्लांट रेडी टू, मतलब सो प्लांट ट्रीज प्लांट बनेगा और वो आराम से डेवलप कर सकता है एक बड़े फॉरेस्ट में। होप आपको सबको समझ में आया होगा। इस टेक्निक में ये जो यूनिक मेथड है 4 बेसिक स्टेप्स पे डेवलप्ड है। जैसे कि सबसे पहला जो स्टेप होता है सिलेक्शंस,
मतलब कौन से ट्रीज की वैरायटीज आपको सेलेक्ट करनी होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही डिटरमाइन करेगा कि आखिर आपका ये फॉरेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप करेगा कि नहीं डेवलप करेगा। इसमें करते क्या, देख सकते हैं आप लोग, एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड है जहां पर लार्ज डेंस फॉरेस्ट और डेंस फॉरेस्ट को ग्रो कराया जा रहा है। तो सबसे पहला द सिलेक्शन ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ नेटिव स्पीसीज ऑफ द रीजन विच विल बेस्ट अडॉप्ट टू द प्लांटिंग फील्ड, पहला। दूसरा द रैंडम डिपोजिशन ऑफ सीड इन नर्सरीज विच एम्स टू रिप्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच कॉम्पिटिशन एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटी बिटवीन स्पीसीज ऑकर्स एंड विच एक्सेलरेट वेजिटेशन साइकिल। आपको मालूम होगा आई एम श्योर कि देखिए फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया होता है ना जहां पर रैंडम ट्रीज ग्रो करते हैं और वहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो ट्री सर्वाइव कर पाएगा वही सस्टेन करता है, ठीक है। और यही मेथड यहां पर भी है जहां पर आमतौर पे ग्रो कराया जाता है इसी मेथड से प्लांट्स को। तो प्लांट्स को पहले सिलेक्ट कर लिया जाएगा, अगर वो प्लांट सही होंगे देन वी विल उनको एक जगह प्लांट कर दिया जाएगा और वो सस्टेन अपने आप को या तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, अगर कॉम्पिटिशन होगा तो जो खराब वाले प्लांट होंगे वो खत्म, मतलब जो वीक प्लांट होंगे वो खत्म हो जाएंगे और बाकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्पीसीज होंगे वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। सेकंड थर्ड जो होता है द सॉइल फर्टिलाइजेशन यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स, उसमें जो फर्टिलाइजेशन के लिए नेचुरल मटेरियल्स यूज किया जाएगा जैसे कि रिसाइकल्ड वुड होगा, चिप्स होगा, डिकम्पोज्ड प्लांट्स होंगे, ह्यूमस होंगे बिफोर प्लांटिंग यंग शूट्स। एंड फोर्थ जो होता है द ऑटोनॉमी ऑफ द ऑब्टेंड फॉरेस्ट, आफ्टर 3 years द ट्री एक्सीड 2 meters इन हाइट, द फॉरेस्ट नो लॉन्गर नीड मैन टू ग्रो एंड इट कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली फॉर मोर देन 9,000 years, वो वहां पर 9,000 सालों तक वो ग्रो कर सकता है। तो ये कुछ यूनिक मेथड्स है आपके प्लांटेशन का मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक के थ्रू। नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मियावाकी मेथड ये है कि सबसे पहला इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग द बायोडाइवर्सिटी, डेंस प्लांटिंग होगा, सॉइल का प्रिपरेशन किया जाएगा, मल्चिंग जो जैसे हमने बताया कि उसके ऊपर में वेस्ट आपके जो वुड होंगे या बाकी सारे चीजें होगी जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होंगे, फर्टिलाइजर जो होंगे उनको डाला जाएगा ताकि वो मेंटेन रहे और न्यूट्रिशन मिले उनको और उनकी रेगुलर एक मेंटेनेंस कुछ समय तक लगभग जब तक वो ग्रो नहीं करता 2 meters तक। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं मियावाकी फॉरेस्ट के। इसके अलावा इसकी बेनिफिट्स क्या होती है, देखिए दोस्तों बेनिफिट्स मियावाकी फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा है। आमतौर पे एक फॉरेस्ट को ग्रो करने में ऑलमोस्ट बहुत टाइम लगता है, लगभग आप कह सकते हैं कि 30 से 40 साल हो सकते हैं एक पूरा एक सस्टेन जंगल को बनने में, जबकि ये मियावाकी फॉरेस्ट बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी ग्रो करता है। जैसे कि मियावाकी फॉरेस्ट ग्रो 10 times फास्टर एंड 30 times डेंसर एंड कंटेन 100 times मोर बायोडाइवर्सिटी। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपीएससी बहुत हद तक इस चीजों को यूज करता है। सेकंड जो है हाई बायोडाइवर्सिटी होगा, वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी तो इट कैन सस्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ फीचर्स। थर्ड जो होगा इनहेंस कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपको आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करता है और उससे इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज मतलब एब्जॉर्ब होकर प्लांट्स में जाएगा, जिससे हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग और बाकी सारे जो प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड के चलते वो सॉल्व होंगे। फोर्थ जो है इंप्रूव्ड सॉइल क्वालिटी, ये सॉइल क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। आई एम श्योर जो प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, वाटर के रन ऑफ है जो बारिश होती है बाकी जो फ्लड के सिचुएशन के चलते जो वाटर का रन ऑफ मतलब सॉइल का जो रन ऑफ होता है वो रुकेगा और सॉइल कंजर्व होगी। फिफ्थ जो होगा नॉइस पॉल्यूशन, ये नॉइस पॉल्यूशन को भी बचाएगा। आप ये स्लाइड देख रहे होंगे यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं व्हीकल्स की जो आवाज वगैरह होगी इससे ये प्लांट्स पूरे अब्सॉर्ब कर लेंगे उस आवाज को और इस तरह से नॉइस यहाँ पर इन घरों में नहीं जाएगा तो नॉइस पॉल्यूशन का भी रिडक्शन होगा। सिक्स जो है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ये वाटर मैनेजमेंट का में भी हेल्प करेगा, वाटर की मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज और बाकी सारी चीजें भी हेल्प कर सकता है ये। एंड इट विल रेगुलेट सरफेस टेम्परेचर, ये काफी इंपॉर्टेंट है सरफेस टेम्परेचर, इसलिए क्योंकि आपको मालूम होगा कि हीट आइलैंड जैसे जो सिनेरियो बनते हैं मतलब आपके जो आजकल के शहरों में जहाँ पर गांव से कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर शहरों में होते हैं, जैसे ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा स्लाइड में, आई एम श्योर छोटा है बट आप अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो शहर है वो शहर का टेम्परेचर हाई है कंपेयर टू द विलेज लेवल या रूरल एरियाज। तो इस तरह के अगर शहर के भी टेम्परेचर हम कम करने में हेल्प कर सकते हैं बाय ग्रोइंग दिस मियावाकी फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टेक्निक है टू ग्रो द प्लांट्स। तो दिस इज रिगार्डिंग द मियावाकी फॉरेस्ट और पीएम ने मन की बात नहीं बहुत अच्छा किया, हो सकता है आने वाले टाइम में सब लोग अधिकतर जो हमारे लोग होंगे उनको भी ये प्रोत्साहन या मोटिवेशन मिलेगा टू ग्रो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला हमारा जो न्यूज है वो लीड सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, लीड सर्टिफिकेशन आई एम श्योर आप लोगों को मालूम होगा लीड सर्टिफिकेशन यूज होता है बिल्डिंग्स को सर्टिफाई करने में कि वो बिल्डिंग कितना हद तक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इसके बारे में अगर समझा जाए तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन लीड जीरो सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट सरपासिंग द यूएस एंड चाइना। इंडिया को फर्स्ट रैंक मिला है इस ग्लोबल लीड जीरो सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट में। आखिर ये ग्लोबल लीड सर्टिफिकेशन होता क्या है,
लीड लीड जो सर्टिफिकेशन है इसका अगर लीड के वो फुल फॉर्म देखा जाए तो लीड का फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन एंड इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। ये ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है एंड इट इज अवेलेबल फॉर वर्चुअली ऑल बिल्डिंग टाइप्स। इस बिल्डिंग टाइप्स ये सारे तरह के बिल्डिंग हर तरह के बिल्डिंग को ये सर्टिफाई करता है and this certification provides a framework for healthy highly efficient and cost saving green buildings which offers environmental social and governance benefit। it is globally recognized symbol of sustainability achieved and leadership achievement and leadership and to achieve LEED certification a project earned points by adhering to prerequisite and credit that address carbon energy water waste transportation materials health and indoor environmental quality। तो इन सब को ये अगर कोई अगर मान लीजिए कोई अगर बिल्डिंग बना रहा है अगर वो इस इन बातों का ध्यान रखता है कि उसमें लेस कार्बन यूज हुआ हो मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज किया जा रहा हो या उसमें बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का इमिशंस होता हो सेकंड जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत कम हो। आई एम श्योर आप लोगों को मालूम होगा इंडिया की जो पार्लियामेंट अभी जो बनी हुई है सेंट्रल विस्टा उसमें वो बहुत ही अच्छी है एनर्जी के कंजम्पशन के तौर पर बहुत कम एनर्जी वो कंज्यूम करता है। थर्ड जो है वाटर का यूसेज उसमें कहीं एक्स्ट्रा वाटर तो यूज नहीं हो रहा है या वाटर का मेंटेनेंस रखा गया है कि नहीं या ग्राउंड वाटर वाटर रिचार्ज के लिए फैसिलिटीज रखी गई है कि नहीं तो दैट इज ऑल्सो ये भी एक लीड सर्टिफिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट वेस्ट का डिस्पोजल कैसे हो रहा है वहां पर और किस तरह से वेस्ट के डिस्पोजल को रख रखाव हो रही है। नेक्स्ट होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन वहाँ की फैसिलिटीज कैसे है ट्रांसपोर्टेशन या उसके लिए कुछ वहाँ पर सारे मतलब प्रोविजंस किए गए हैं कि नहीं अलॉन्ग विद द मटेरियल मटेरियल कैसा है जो बिल्डिंग में यूज हो रहा है क्या वो मटेरियल वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं। नेक्स्ट हेल्थ एंड इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी कैसी है उसके बेसिस पर भी लीड का सर्टिफिकेशन होता है। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस अलॉन्ग विद योर मेंस। नेक्स्ट लीड सर्टिफिकेशन जो होता है दिस प्रोजेक्ट गो थ्रू ए वेरिफिकेशंस एंड रिव्यू प्रोसेस बाय जीवीसीआई एंड आर अवार्डेड पॉइंट्स दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू लेवल ऑफ लीड सर्टिफिकेशंस। ठीक है कुछ पॉइंट्स भी उनको मिलते हैं जैसे कि अगर सर्टिफाइड होगा तो उसमें आपको 40-49 पॉइंट्स मिलते हैं जो आपके लीड सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल होगा। सिल्वर जो होता है उसमें लगभग अराउंड 50-59 पॉइंट्स मिलते हैं ये जो दिख रहा होगा आपको। 60-79 पॉइंट्स जो होता है वो गोल्ड आपको सर्टिफिकेशन मिलता है एंड प्लेटिनम के लिए 80+ अगर आपके बिल्डिंग्स वगैरह में पॉइंट्स मिलते हैं बिल्डिंग्स को तो वो प्लेटिनम सर्टिफिकेशन होगा। ठीक है एंड दिस रेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेसिकली ये आपके यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ये सर्टिफिकेशन देता है। तो दिस इज रिगार्डिंग योर लीड सर्टिफिकेशन। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला जो न्यूज है मिलिट्री से रिलेटेड है। न्यूज ये है कि महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन रिसेंटली अनाउंस दैट महिंद्रा डिफेंस सिस्टम हैज स्टार्टेड डिलीवरीज ऑफ आर्माडो एंड आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स बिल्ट फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। तो समझते हैं आखिर ये आर्माडो है क्या और इसकी खूबियां क्या क्या। जैसे कि आर्माडो बेसिकली एक आप समझ सकते हैं कि इट इज ए इस आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल जैसे अमेरिकन आर्मी यूज करती है हम्वी व्हीकल्स उसी तरह से इंडियन आर्मी के लिए ये आर्माडो डिजाइन किया गया है। इट इज इंडियाज फर्स्ट आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल एंड इट इज फुल्ली इंडिजिनस व्हीकल्स डिजाइन एंड बिल्ड बाय द महिंद्रा डिफेंस सिस्टम फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है नेक्स्ट इसके फीचर्स क्या है इट कैन अकोमोडेट ए ड्राइवर एंड 5 पैसेंजर। एक ड्राइवर और 5 पैसेंजर को अकोमोडेट कर सकता है ये एंड अबव द स्टैंडर्ड 1000 केजी लोड कैपेसिटी द एएसएलवी कैन कैरी अनदर 400 केजी मतलब 1000 किलो के संग 400 किलो और ये लोड लेकर चल सकता है। इट गेट्स बैलिस्टिक प्रोटेक्शन अप टू B7 लेवल एंड स्टैग्नेंट लेवल 2 दिस मींस दैट इट्स आर्मर ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्मर पियर्सिंग राइफल। ये हमारे आर्मी को प्रोटेक्शन देगा फ्रॉम ऑल द साइड्स लाइक जैसे कि फ्रंट साइड एंड रियर पॉइंट से भी ये प्रोटेक्शन दे सकता है फ्रॉम बैलिस्टिक एंड एक्सप्लोसिव्स। नेक्स्ट है दिस आर्मर्ड व्हीकल इज पावर्ड बाय 4 व्हीलर इज ए 3.2 लीटर मल्टीफ्यूल डिजाइन डीजल इंजन दैट जनरेट 216 हॉर्स पावर ऑफ मैक्सिमम पावर। ठीक है आर्माडो टेक्स जस्ट 12 सेकंड्स टू एक्सेलरेट फ्रॉम 0 टू 160 किलोमीटर मतलब 12 सेकंड लेता है 0 से 160 किलोमीटर जाने में एंड रन एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर। इट आल्सो गेट्स ए सेल्फ क्लीनिंग टाइप एग्जॉस्ट स्कैवेंजिंग एंड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर एक्सट्रीम डस्टी क्लाइमेट लाइक डेजर्ट। तो डेजर्ट जैसे कंडीशन में अपने आपको सेल्फ क्लीनिंग कर सकता है एंड जो फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है एंड इट इज ए मॉड्यूलर व्हीकल इट कैन बी यूज्ड इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस रेन इन ओपन एंड डेजर्ट टेरेन एंड रिकॉन्सिनेंस मिशंस। तो बहुत इंप्रेसिव व्हीकल है जो आनंद महिंद्रा ग्रुप ने हैंडओवर करना शुरू कर दिया इंडियन आर्मी को इस व्हीकल की बहुत जरूरत थी। अभी तक हम लोग जीप वगैरह यूज करते थे बट इस व्हीकल के आने के बाद बहुत हद तक हमारे सोल्जर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। अब
अपना नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी. रिसेंटली ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी ने प्रोहिबिट किया है कीटोप्रोफेन एंड एसिक्लोफेनेक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एनिमल टू कंजर्व वल्चर्स. आई एम श्योर आप लोगों को मालूम होगा वल्चर्स से रिलेटेड ये जो ड्रग्स हैं बहुत हद तक न्यूज में थे पास्ट करीब 4-5 years से. एंड फाइनली ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इन दो ड्रग्स को प्रोहिबिट कर दिया या बैन कर दिया है ताकि हमारे जो वल्चर्स वगैरह है वल्चर्स की प्रोटेक्शन हो सके. आई एम श्योर ये जो ड्रग आपको मालूम होगा दी एंटी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है और ये जो ड्रग बेसिकली जानवरों को दिया जाता था फॉर ट्रीटमेंट पेन और इन्फ्लेमेशन बुखार वगैरह या फीवर से प्रोटेक्शन के लिए जानवरों को दिया जाता था. बट ये जो जानवरों को जो जानवर मर जाते थे उनके बॉडी में ये एसिक्लोफेनेक और कीटोप्रोफेन रह जाता था और उन जब बॉडी को मरे हुए जानवरों को जो वल्चर्स खाते थे उनके उस खाने के चलते ये ड्रग उनके बॉडी में जाता था और वल्चर्स के जो एग शेल्स होते थे क्रैक मतलब आराम से टूट जाते थे तो टूटने के चलते ही वो उनके फिर फर्दर जनरेशन से उनके बच्चों की डेथ होती थी. तो इससे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी है ना उसको जो प्रोटेक्ट किया मतलब इसको बैन किया है ये बहुत अच्छा है टू समथिंग प्रोटेक्ट द एनिमल्स और बेसिकली द वल्चर स्पीसीज. थोड़ा अगर समझा जाए तो दिस न्यूज ये है कि रिसेंटली द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी रिकमेंडेड बैनिंग द मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एनएसआईडी कीटोप्रोफेन एंड एसिक्लोफेनेक. नेक्स्ट द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी अगर इसके बारे में समझा जाए तो इट इज द हाईएस्ट स्टेटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग्स इन इंडिया एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 and it is part of the central drug standard control organizations. ठीक है ये ministry of health and family welfare के अंदर में आती है and functions इसका ये होता है कि it advises the central government and the state government on technical matters arising out of the administration of drugs and cosmetic act of 1940 and to carry out the other functions assigned to it by this act. clear है. नेक्स्ट थोड़ा अगर एसिक्लोफेनेक और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में समझा जाए तो एनएसएआईडी इज बेसिकली आर मेडिसिन दैट आर वाइडली यूज्ड टू रिलीव पेन reducing inflammations and bring down a temperature high temperature matlab obvious baat hai pain aur inflammation ke liye use hota hai aur fever ko kam karne ke liye this drug blocks the productions of certain body chemicals that causes inflammations jo kuch chemicals jo inflammation karta hai usko block kar deta hai taki dard wagera dard ka ehsaas nahi hota hai. the most popular example of drug in this group are aspirin and ibuprofen. i'm sure aap log ko suna hoga aspirin aur ibuprofen ke bare mein ji bahut famous ya most popular drug hai normally aam taur pe log use karte hain isko. बेसिकली एसिक्लोफेनेक के बारे में समझा जाए तो इट इज यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो गया. और रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट हुआ था कि देखा यह गया कि एसिक्लोफेनेक वॉज रैपिडली कन्वर्टेड टू डाइक्लोफेनेक वाइल इंजेक्टिंग द सेम वाइल इंजेक्टिंग द सेम वाटर बफेलस. And such metabolism pose a threat to the vulture population in the country. तो vulture के populations को ये threat लगभग आम तौर पे आप समझो आप जानते ही होंगे कि diclofenac causes large amount of damage to the vulture species. ठीक है. So in order to prevent those damages to our vultures, ये इन दोनों को drug को ban कर दिया गया है. Hope आपको समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट अपने अगले न्यूज पे चलते हैं. अगला जो न्यूज है हमारा तापस अनमैन्ड एरियल व्हीकल से रिलेटेड. रिसेंटली इंडियन नेवी एंड डिफेंस डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कैरीड आउट द ट्रांसफर ऑफ कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज ऑफ द तापस अनमैन्ड एरियल व्हीकल. ये इंडिजिनस एरियल व्हीकल्स रिसेंटली डीआरडीओ ने डेवलप किया था और इसके बारे में बोला जाए तो फीचर्स इसका ये है कि इट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट ए एल्टीट्यूड ऑफ अप टू 28,000 फीट. आई एम श्योर अभी रिसेंटली हमने प्रेडेटर ड्रोन के बारे में पढ़ा था जो यूएस से हम लोग ले रहे हैं वो 40,000 फीट तक जा सकता है जबकि हमारा जो तापस है ये 28,000 फीट तक जाएगा. ठीक. और उसके अलावा इसकी इंड्योरेंस कैपेसिटी लगभग 18 आवर्स की है जबकि रीपर की 40 आवर्स की है. And the drone has a 20.6 meter wingspan and a maximum speed of 225 km per hour. Okay? And it can carry a variety of payloads up to maximum of 350 kgs. So it can be controlled remotely and also has the ability to execute pre-programmed flight plans autonomously with precision and flexibility. मतलब आप इस ड्रोन के अंदर में pre-programmed पहले से ही प्लान करके हम वो कोई फ्लाइट प्लान डाल सकते हैं और उसी फ्लाइट प्लान के अकॉर्डिंग ये मूव करेगा और अपना जो ऑपरेशन होगा अपने आप ये मतलब फुलफिल कर सकता है. It is designed to fulfill the intelligence, surveillance, target acquisitions, tracking and reconnaissance requirement for the tri-services and the Tapas UAV can effectively operate in both day and night conditions. So day and night conditions mein ye operation kar sakta hai. It is pre-designed to carry certain weapons and can be converted into an armed platform as and when required by the users. Theek hai, to jaise jis iski requirement waise isme isko convert kiya ja sakta hai. So this is the indigenously developed hamara UAV. It can be used in multiple areas jahan par हमारे जो ट्राई सर्विसेज जिनको जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसको ये फुलफिल कर सकता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन डेली न्यूज एनालिसिस. आज के लिए इतना है एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर फेसबुक पेज फॉर सच अदर वीडियो कंटेंट. थैंक यू. टेक केयर.